दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय कायस्था ट्रेडर आलमपुर। बॉयज स्कूल हमीरपुर में स्कूल ग्रीन प्रोग्राम के तहत एक वर्कशॉप आयोजित की गई। वर्कशॉप में सेंटर फॉर एनवायरनमेंट साइंस दिल्ली व हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के सदस्यों ने अध्यापकों को ग्रीन प्रोग्राम के तहत जागरूक किया। वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य था स्कूलों को ग्रीन कैसे रखा जाए, फिर इस पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। छात्रों को स्कूलों में हवा, पानी व मिट्टी के ऑडिट करने की जानकारी दी जाएगी ताकि पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में छात्र अहम भूमिका निभा सकें। हमीरपुर जिला में 250 इको क्लब कार्य कर रहे हैं। सभी स्कूलों को 5,000 रुपए की ग्रांट दी जा रही है ताकि छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। वर्कशॉप में 50 इको क्लब स्कूल के मुखियाओं ने भाग लिया। कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉय हमीरपुर में। ये जो वर्कशॉप है ये हमारी स्कूल ग्रीन जो कार्यक्रम है इसके ऊपर रखी गई है। इसमें हमारा सेंटर ऑफ एनवायरमेंट साइंस का न्यू दिल्ली से कुछ लोग आए हैं और हमारी जो हिमकॉस्टो है जो स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो इनको जानकारी दी जा रही है। इसमें 50 जो इको क्लब इंचार्जेज हैं जिला के उनको बुलाया गया है। वर्कशॉप का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे स्कूलों को ग्रीन कैसे रखा जाए उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार करेंगे। स्कूलों में एयर का ऑडिट करेंगे, स्कूलों में जो इलेक्ट्रिसिटी आई मीन्स टू एनर्जी का ऑडिट करेंगे और स्कूलों में पानी का भी ऑडिट करेंगे और साथ में वहाँ की जो मृदा है उसके ऊपर भी ऑडिट करने की इनको जानकारी दी जाएगी कि हमें स्कूल स्तर पर जो स्कूल का कैंपस है उसका स्टेटस क्या है, उसमें एयर का पॉल्यूशन कितना है, अगर वहाँ पे पॉल्यूशन है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसमें जो कौन सी हम और स्टेप्स ले सकते हैं जिनके द्वारा वो पॉल्यूशन कम किया जा सके, पानी का स्टेटस क्या है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कितना पानी यूज हो रहा है उसकी क्वांटिटी को अगर हम घटाना चाहें तो कैसे वो घट सकती है। और इसी प्रकार ये कि हम बात करते हैं कि स्कूल स्तर पर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ व्हीकल से बच्चे आते हैं और स्कूल्स बसेस लगी हुई हैं अपनी, उनमें और जो दूसरे स्कूलों में खासकर सरकारी स्कूलों की हम बात करें वहाँ पर जो प्राइवेट व्हीकल से ही वो नहीं आते हैं, जो पब्लिक जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करते हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो वहाँ बहुत से जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ सोलर लाइट्स का यूज़ हो रहा है, तो इसके बारे में एक ऑडिट तैयार किया जाएगा और पहले स्कूलों को हम रजिस्टर करते हैं। हमीरपुर जिला के लगभग 191 स्कूल इसके अंडर जो है स्कूल ग्रीन प्रोग्राम के तहत हमने रजिस्टर कर लिए हैं और अब ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार इसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे। सारा जो स्टेटस होगा एयर का ऑडिट का और चाहे इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट का जिसको हम एनर्जी ऑडिट कह रहे हैं या दूसरा जो हम पानी की बात कर रहे हैं, और जो इसके साथ बच्चों को जोड़ा जाएगा। बच्चों को जोड़ने के साथ साथ सबसे जो हमारी मुख्य इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को हम पर्यावरण के बारे में जागरूक करें, उनको पर्यावरण बारे के बताएं, छोटे छोटे बच्चों को 6ठी से लेकर प्लस टू के जो बच्चे हैं उनको नेचर्स के प्रति बताएं, इन चीज़ों का छोटी छोटी जो हमारी एक्टिविटीज स्कूल स्तर पर हो रही हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा जो पर्यावरण कैसे प्रदूषित होता है, एयर कैसे प्रदूषित होती है, पानी कैसे प्रदूषित हो रहा है, इसके ऊपर जब बच्चे इसका आंकलन करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और आंकड़े तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जहन में ये चीज़ बैठेगी कि इन एक्टिविटीज़ के कारण जो है सारा का सारा हमारा पर्यावरण जो है ये प्रभावित होता है और बच्चे जो हैं नेचर्स के बारे में भी जानेंगे कि जो नेचर में हमें इतनी सुंदरता मिली है, इतनी प्यारी प्रकृति मिली है, इतनी अच्छा हमें पानी मिला है, ये जो हमारे जंगल हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं और बायोडाइवर्सिटी के बारे में सारा का सारा जब इस चीज़ के उनके जो टीचर उनको प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में जो उनकी एक्टिविटीज़ होंगी वो पर्यावरण की रक्षा के लिए होंगी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार के साथ सुमित कुमार की रिपोर्ट। कायस्था ट्रेडर आलमपुर जिला कांगड़ा में मार्बल टाइल के साथ साथ बाथ फिटिंग और हर प्रकार के भवन निर्माण की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। यहां पर ग्राहकों को ब्रांडेड माल जिनमें जैगवार, सेरा, ओरिएंट, बेल, एजीएल टाइल्स गुड क्वालिटी और गुड रेट पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही वॉल टाइल, फ्लोर टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, बाथ फिटिंग, होटल एंड रेस्टोरेंट फिटिंग व व्यापारिक प्रतिष्ठान में लगने वाला हर सामान यहां पर उपलब्ध है। शोरूम मालिक गौरव भटनागर की माने तो बेहतरीन गुणवत्ता का सामान उपलब्ध करवाने के साथ साथ ग्राहकों का भरोसा जीतना यहां का मुख्य उद्देश्य है। आलमपुर जिला कांगड़ा से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर जयसिंहपुर मुख्य मार्ग ठाकुर द्वारा के पास